वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ते हैं NCERT गणित कक्षा 10 का एक्सरसाइज 8.2। इसमें हम सवाल नंबर एक, प्रश्न नंबर एक आप लोगों को हम बता चुके हैं, तो आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर दो से। तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जो घंटी का निशान रहता है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो जब आप टच किए रहेंगे तो जितना भी हम पढ़ाएंगे वो नोटिफिकेशन उन वीडियो का आप लोगों के मोबाइल सेट पे पहुंच जाएगा और आप लोग तुरंत वीडियो वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर दो आज देखते हैं। दिया गया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब विकल्प सही है तो कैसे है, कहने का मतलब आप लोगों को क्वेश्चन हल भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप विकल्प जान गए तो विकल्प आप दे दीजिए ये सही है, बल्कि आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन का हल भी देना है कि कैसे सही है। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं, दूसरे का पहला इसमें, कि कैसे हमारा ये क्वेश्चन सही होता है। हाँ, तो देखिए दिया गया है आपको 2 tan 30 प्लस 1 plus tan square 30 अंश। तो अब इस सबका हम मान रखेंगे, मान रखने के बाद देखेंगे कि कौन सा विकल्प हमारा सही होता है। तो मान रखते हैं, तो दो है तो पहले दो लिखते हैं, गुणे टेन थर्टी का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख लेते हैं। हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि इसका मान जो है सारणी में आप लोग देख लीजिएगा कितने का कितना मान होता है, दिया गया है उसको आपको लर्न करना है, याद करना है, तो आप लोग बुक से देख लीजिएगा उसको। इतना हो गया ऊपर का, और नीचे का देख लीजिए कितना होगा, 1 हो गया प्लस 1/, यहाँ भी उसी का मान है, तो एक इसका पर यहाँ पे हमें स्क्वायर लगाना होगा क्योंकि स्क्वायर दिया गया है। अब इसको हम और थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे, तो ये जो है गुणा हो जाएगा, तो 2 से 1 में गुणा कर लेंगे तो 2/√3 ये है, बटा यहाँ पे देखिए 1 plus 1/ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगेगा तो 3 हो जाएगा, 1/3। और भी इसको आगे देखिए हम पढ़ाते हैं तो हो जाएगा 2/3/ हर बराबर करेंगे 3 × 4/3 हो जाएगा ये। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं अगली लाइन में, तो ये हो जाएगा, इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे 2/√3 गुणे, ये गिनती पलट लेते हैं, 3/ कितना हो जाएगा 4, मतलब ये गिनती पलट जाएगी, 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे हो जाएगा, गुणे का निशान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 से इसको काट देते हैं तो 2 × 4, और ये जो है इसमें डबल √3 है, 1 √3 बनाने के लिए हमको √3 × √3 करना पड़ता, मतलब हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, √3 × √3 / √3 × 2। देखिए 2 तो ये हो गया, √3 ये हो गया, और इसका गुणनखंड हमने कर दिया, मतलब दो पार्ट में इसको हमने तोड़ दिया, √3 √3 दो बार लिखेंगे तो 1/3 हमारा बन जाएगा गुणा करने के बाद। तो ये हम काट देते हैं, देखिए तो बचा हमारा क्या, √3/2। √3/2 का मान जो होता है वो कितना होता है, बराबर कितना होता है, sin 60 अंश, कितना होता है sin 60 अंश, मतलब √3/2 अगर आप सारणी में देखेंगे तो किसका मान होगा, sin 60 का होगा। तो विकल्प आपका जो सही जाता है विकल्प ए, यानी हम लिख सकते हैं विकल्प ए सही है, विकल्प कौन सा सही है, ए वाला विकल्प सही है, उसमें sin 60 दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब दूसरा प्रश्न इसका देखते हैं, सवाल नंबर दो यहाँ पे लगाते हैं, प्रश्न नंबर दो का जो खंड है इसका दूसरा सवाल। तो 1 - tan² 45 ऊपर है, नीचे है 1 plus tan² 45 अंश। अब इसका मान हमें पता करना है, सब कुछ वही है, केवल
45 ऊपर है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। तो एक माइनस टेन का मान होता है, टेन 45 का मान एक होता है, तो एक का स्क्वायर कर देंगे बटा एक प्लस फिर एक का स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो एक माइनस एक बटा एक प्लस एक। इसके बाद देखिए थोड़ा सा और इसको सरल करते हैं, ये हो गया आपका जीरो बटा एक या दो हो जाएगा, एक एक दो बराबर जीरो। अब जीरो किस में होता है मान, अब इसमें देखिए दिया गया है जीरो दिया गया है, यानी विकल्प डी जो है आपका सही है, विकल्प डी सही है, क्योंकि डी वाले विकल्प में जीरो आ रहा है। ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन, इसी का तीसरा क्वेश्चन जो आपका है वो है साइन टू ए बराबर, साइन टू ए बराबर दो साइन ए, दो साइन ए जबकि ए बराबर है। अब ए का मान इसमें आपको पता करना है, यानी ए का मान इसमें पूछा है, जब ये दोनों बराबर हैं तो ए का मान कितना होगा, तो इसको भी चलिए हम देख लेते हैं। देखिए ए बराबर, यानी हम ए बराबर जीरो ले लेते हैं, ए बराबर जीरो लेने पर, ए बराबर जीरो ले लेने पर तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी साइन दो ए बराबर दो साइन ए। अब इसी में हमको मान रखना है, तो हो जाएगा साइन दो ए बराबर साइन दो गुड़े जीरो, यानी ए का मान हमने कितना रख दिया, जीरो रख दिया, या इसको हम और बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा साइन जीरो अंश, और साइन जीरो अंश का मतलब यहाँ पे साइन जीरो अंश ले लेंगे, लेना है हमको, तो साइन जीरो अंश हो गया। अब देखिए तो साइन जीरो अंश बराबर जीरो, देखिए ये तो हो गया आपका साइन दो ए का मान। अब अगर जीरो हम इस पे भी रखते हैं, देखते हैं दोनों पक्ष हमारे बराबर हो रहे हैं कि नहीं, अगर दोनों का मान सेम आता है तो ए का मान हमारा कितना हो जाएगा, जीरो अंश हो जाएगा। तो इस पे भी रख देते हैं, यानी दो साइन ए बराबर दो गुड़े साइन गुड़े जीरो, दो गुड़े साइन गुड़े जीरो, या इसको हम लिख सकते हैं दो साइन जीरो अंश, या इसको हम बराबर लिख सकते हैं दो गुड़े जीरो बराबर जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों के मान रखने पर हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। तब हम लिख सकते हैं तब ए बराबर जीरो विकल्प ए सही है, यानी विकल्प ए में आपका जीरो आ रहा तो वो विकल्प आपका सही है। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर चार, इसी का चार यहाँ पे देख लीजिए। प्रश्न नंबर चार जो है आपका वो कह रहा है टू टेन थर्टी, यानी दो टेन तीस अंश बटा वन माइनस टेन स्क्वायर तीस अंश बराबर है। अब किसके बराबर है, मतलब हल करने के बाद अभी पता चलेगा। तो इस पे हम मान रख देते हैं, यानी टेन तीस का मान हमको रखना है, टेन तीस का मान तो हो जाएगा ये दो गुड़े, टेन तीस का मान एक बटा रूट तीन होता है, बटा एक माइनस एक बटा रूट तीन स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जब हम गुणा कर लेंगे तो दो बटा रूट तीन पूरे का बटा एक माइनस एक बटा तीन, फिर इसको सरल थोड़ा सा करते हैं, देखिए दो बटा रूट तीन बटा यहाँ पे तीन एकन्नम तीन
और तीन में से एक निकल गया, 2/3, 2/3, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2/√3 गुणे 3/2, 2 कट जाएगा और इसका जो है मान डबल 3 आएगा, तो 1√3 कटेगा तो बचेगा 1√3, यानी रूट 3 जो होता है ये किसका मान होता है, रूट 3 जो है बराबर tan 60 अंश का मान होता है और विकल्प आपका सी सही जाता है। विकल्प सी सही, विकल्प सी जो है वो सही। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1, सॉरी प्रश्न नंबर 2, यानी प्रश्न नंबर 2 में आपके 4 सवाल थे, हमने चारों हल कर दिए, आप लोग लगा लीजिए, देख लीजिएगा इसको। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है यदि tan A+B = √3 और tan A-B = 1/√3, तो ए और बी के मान ज्ञात करना है, यानी ए बी के आपको मान इसमें पता करना, दोनों के मान दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए दिया गया है tan A+B = √3, या हम लिख सकते हैं tan A+B = tan 60 अंश, क्योंकि रूट तीन का मान होता है, tan√3 60 अंश, या हम ये भी लिख सकते हैं tan दोनों तरफ है, हटा देते हैं, A+B = 60 अंश, ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 देखिए, दूसरा दिया गया है आपको tan A-B = 1/√3, तो tan A-B = 1/√3, तो 1/√3 का मान होता है कितना, 30 अंश, tan 30 अंश, लिख सकते हैं हम tan A-B = tan 30 अंश, tan दोनों तरफ से हटाते हैं तो हमको मिलेगा A-B = 30 अंश, ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब दोनों तरफ समीकरण हम हल कर लेते हैं, यानी दोनों समीकरण एक समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, जोड़ लेते हैं, अगर दोनों को हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2A = 90 अंश या A = 45 अंश, ए बराबर कितना आएगा, 45 अंश। अब A का मान रख देते हैं समीकरण एक में, A का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रख दे, समीकरण एक यही है, तो यहाँ पे एक इसकी जगह पे हम 45 लिख देते हैं, तो 45+B = 60 अंश या B = 60-45, ये जाके उधर घट जाएगा, या बी बराबर घटाने पे कितना आ जाएगा 15 अंश, 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 अंश, तो आपका आ गया A बराबर 45 अंश और B = 15 अंश, ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा सवाल नंबर आप लोगों ने देख लिया 3। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें देखिए कह रहा है, पहला सवाल हम देख लेते हैं, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। पहला सवाल कह रहा है sin A+B = sin A+sin B होता है, मतलब दोनों बराबर होते हैं, चाहे ऐसे लिखें sin A+sin B लिखें और चाहे sin A+B लिखें, दोनों का मान सेम होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं A बराबर 30 अंश और B = 60 अंश हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं, तो इसी पे रख देते हैं। देखिए दोनों पक्ष अगर हमारा बराबर आ जाता है तब तो जान लीजिए सही है, नहीं आता है तो दोनों बराबर नहीं होते हैं।
तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम साइन 30 प्लस 60 तो बराबर साइन 90 अंश हो गया ये, और साइन 90 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा आपका। अब तो ये हो गया इसका, अब इसका देख लेते हैं, साइन 30 अंश और प्लस साइन 60 अंश, दोनों का पी बार अलग अलग, हमको ये पक्ष देखना है, इसमें देखते हैं कितना आता है। साइन 30 का मान जब रखते हैं 1/2 होता है, 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2, तो इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस रूट 3/2। देखिए इसका 1 आया, इसका रूट कितना आया, √3/1 + √3/2 आया। तो कहने का मतलब ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो ये कथन सत्य नहीं है, यानी कथन असत्य है। यहाँ पे लिख देंगे कथन असत्य है, ये आपका था पहला वाला सवाल। तो इसके बाद अब देखते हैं दूसरा सवाल नंबर 2। कह रहा है थीटा, यानी सवाल नंबर 2 हम यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में वृद्धि होती है, इसमें भी वृद्धि होती है, यही हमको दिखाना है। तो चलिए देखते हैं, एक बार देख लेते हैं साइन 0 अंश का मान और फिर देख लेते हैं साइन 30 अंश का मान। तो दोनों अगर बढ़ते क्रम में हैं, बढ़ते हुए हमें मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए कथन सत्य है। तो साइन 0 अंश बराबर, पहले साइन 0 अंश निकालते हैं, इसका मान कितना होगा, साइन 0 का मान होता है 0, फिर साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। हम यहाँ पे देखते हैं पहले मान कितना आया 0, दूसरे में मान कितना आया, यानी हमने थीटा के मान में वृद्धि कर दी, पहले 0 रखा था फिर उसके बाद 30 रख दिया, तो दोनों के मान में क्या हमको अंतर मिल रहा, देखिए ये 0 था, 1/2, तो वृद्धि हो रही ना, तो कथन सत्य है। ये हो गया आपका सवाल नंबर, हो गया आपका ये दूसरा, यानी चौथे का दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, सवाल नंबर 3 भी देख लीजिए। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है, सेम यही सवाल है, थीटा में वृद्धि होने पर होने पर कास थीटा में वृद्धि, कास थीटा में वृद्धि होती है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखते हैं वृद्धि होती है कि नहीं, पहले कास 0 का मान निकालते हैं, कास 0 बराबर, कास 0 बराबर 0 होगा, इसका भी मान 0 होता है, और फिर कास 30 ले लेते हैं, कास 30 बराबर, अब 30 का मान कितना होता है, कास 30 का मान जो है आपका √3/2 होता है, देखिए तो मान में वृद्धि यहाँ पे भी हो रही है, ये भी कथन क्या है, सत्य है। यहाँ पे 0 था, यहाँ √3/2 आया है, तो कथन जो है आपका सही है। फिर देखिए सवाल नंबर 4, छोटे छोटे सवाल हैं, कुछ करना नहीं है, केवल हम आपको सत्यापित करके यहाँ पे बता दे रहे हैं, बाकी सत्य असत्य ही लिखना है। अब सवाल नंबर 4 में देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है, मतलब यानी थीटा के सभी मानों में साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है,
ऐसा होता है कि नहीं, सभी मान यानी थीटा के सभी मानों में दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हमको दर्शाना है। तो दोनों को हम थीटा बराबर हम 60 अंश ले लेते हैं, तो हम लिख देते हैं साइन 60 अंश बराबर कास 60 अंश। यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं कुछ लिख नहीं रहे हैं, मतलब यहाँ पे सब मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ भी मानना पड़ेगा हमको, माना 0 अंश और 30 अंश लेने पर, यहाँ भी माना 60 अंश लेने पर। तो ये सब हम लिख नहीं रहे हैं, हम आप लोगों को 60 में बता दे रहे हैं, कुछ करना नहीं है इसमें। अब 60 अंश लेते हैं तो देखते हैं दोनों के मान बराबर आते हैं। साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, और देखते हैं साइन अवकाश का मान होता है 1/2। लेकिन देख रहे हैं क्या है, दोनों बराबर हैं? नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो कथन जो है असत्य है, कथन असत्य है। एक सवाल और आपका बचा है, किसका? कह रहा है पांचवा सवाल, तो पांचवा यहाँ पे हम देख लेते हैं। कह रहा है ए बराबर 0 अंश पर काट ए परिभाषित नहीं है, ए बराबर 0 अंश पर काट ए परिभाषित नहीं है। अब परिभाषित नहीं है हमको दिखाना होगा परिभाषित है कि नहीं है, इसका मान जो है अपरिभाषित आना चाहिए। तो ए बराबर 0 ज्ञात ही है हमको, ए बराबर कितना दिया 0, तो काट 0 अंश, क्योंकि ए बराबर 0 है, तो 0 अंश काट और काट 0 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, तो अपरिभाषित है, मतलब परिभाषित नहीं है, कहने का मतलब सत्य है, कथन जो है आपका सत्य है। तो इस प्रकार आप लोगों ने आज जो है पढ़ा कितना, प्रश्न नंबर 2, 3 और 4, और ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ आज। अब अगला जो है चैप्टर हम आप लोगों को, अगला चैप्टर 8.3 जो है ये हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग इतना अध्ययन कीजिए और इस चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। यहाँ पर हम कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं आप लोगों के लिए, जितना है सब कुछ बता रहे हैं। जो सवाल ना समझ में आए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर बताएंगे एक बार फिर से। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।